आज हम आ गए जलंधर के बबलू भाई के पास, जो कि यहाँ पे लगाते हैं 8 हंडो का बॉइल्ड एक्सेलेट, और जलंधर में लोग इनका बॉइल्ड एक्सेलेट बहुत ही पसंद करते हैं। तो चलिए चलते हैं इनके बॉइल्ड एक्सेलेट की मेकिंग देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो भैया नाम बता दीजिए अपना। बबलू, यहाँ हो गए 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। क्या क्या बनाते हैं यहाँ पे आप? बहुत वैरायटियां होती। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा बटर जा रहा है। हाँ जी। और यहाँ पे लगाया जाएगा एक साथ 8 हंडो का बॉइल्ड एक्सेलेट। तो बटर आ गया, प्याज आ गया, ये आ गया धनिया, ये आ गई हरी मिर्च, और ये आ गई शिमला मिर्च, ये आगे पत्ता गोभी। तो कितनी सारी यहाँ पे वेजिटेबल्स डाली जा रही है। और ये आ गया टमाटर, नमक आ गया, हल्दी, मसाला, ये आ गया मसाला। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा। हाँ जी। ये बॉइल्ड एग सैलेड क्या होता है? ये बॉइल्ड एग सैलेड। हाँ जी। खाने में स्वाद होता है, टेस्टी है सबसे। बहुत पसंद करते हैं जलंधर में इसको। बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये कैसे सोचा था यहाँ पे अंडे की यहाँ पे रेडी लगाने का आपने? काफी टाइम हो गया था लगाते, फिर थोड़ा थोड़ा काम चलता रहा, थोड़े थोड़े गाग भी बनते रहे, फिर ऐसे सेट हो गया कामकाज। मेरा यहाँ चिकन रोल और एग चिकन, बॉइल्ड एग चिकन रोल होता है। तो ज्यादातर जिम वाले लड़के आते हैं? नॉर्मल भी आते हैं, जिम वाले भी आते हैं। तो जिम वाले लोग सैलेड पसंद करते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो साइल देखते धागे से एक एक करके हमारे अंडे काट के पैन में डाले जा रहे हैं। तो प्राइस कितना रहता है एक अंडे के सैलेड का? 40 रुपए का होता है दो अंडों का। दो अंडों का 40 रुपए का रहता है। हाँ जी। हाँ जी। तो वेजिटेबल्स के साथ देख सकते हो एग को अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। तो येलो पार्ट निकाल लेते हैं कि साथ में बताते हैं? जैसे जिम वाले वो निकलवा देते हैं ना। अच्छा, जिम वाले निकलवा देते हैं। हाँ जी। तो देख सकते हो हमारा यहाँ पे बॉइल्ड एग का सैलेड लग के रेडी हो चुका है। तो अगर आप भी जलंधर में रहते हो, विजिट करो और बढ़िया सा बॉइल्ड एग सैलेड खाना चाहते हो, तो यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो। तो हमारा 8 अंडों का बॉइल्ड एग सैलेड लग के यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो उसको जल्दी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है। सैलेड में लग चुका है, ऊपर से क्या डालेंगे भैया? ये तंदूरी है, तंदूरी सॉस। हाँ जी। हाँ जी। ये मक्खन है, अमूल बटर। तो देखो तो क्वालिटी एकदम बढ़िया यूज की जाती है, मदर डेयरी का ये बटर यूज कर रहे हैं। और ये आ गया टमाटर केचप। 8 अंडों का बॉइल एग सैलेड रेडी हो गया। तो फाइनली जलंधर के बबलू भाई का हमारा 8 अंडों का बॉइल्ड एग सैलेड यहाँ पे लग चुका है। तो देखते हो गर्मा गर्म इन्होंने बॉइल्ड एग सैलेड यहाँ पे लगा दिया है, और 8 अंडे इसमें यूज किए हैं। बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली है, बटर डाला है, सॉसेस डाली गई है। तो मैंने बॉइल्ड एग सैलेड बहुत बार लगाया है, 3-4 टाइप की इन्होंने सॉसेस में डाली है, और ऊपर से डाला है बटर। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो सर्दी में गर्मा गर्म बॉइल्ड एग सैलेड खाने का मजा ही आ गया। बबलू भाई ने बहुत ही टेस्टी बनाया है, जो उन्होंने बहुत सारी वेजिटेबल सॉसेस यूज की है, काफी अच्छा टेस्ट आ रहा है, बटर का टेस्ट आ रहा है। तो भैया आपकी दुकान की टाइमिंग क्या रहती है? सुबह 9 से रात को 10 बजे तक होती है। और हफ्ते में कितने दिन लगाते हैं? सिर्फ एक दिन छुट्टी होती है मंगलवार को। और एड्रेस बता दीजिए किसी को फेस करने के लिए यहाँ पे आना हो, कहाँ पे आइए? यहाँ पुलिस लाइन रोड प्रेसिडेंट होटल के सामने, बबलू एग कॉर्नर। तो अगर आप भी जलंधर में रहते हो, विजिट कर रहे हो और बढ़िया सा बॉइल्ड एग सैलेड टेस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आके इसको टेस्ट कर सकते हो। तो बात करिए इसकी प्राइस की, इसका प्राइस है 40 रुपीज पर 2 एग। तो आप अपने हिसाब से जितने अंडों का लगवाना चाहो आप लगवा सकते हो। भैया यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब इस बॉइल्ड एग साइड को यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।